जर्मिनेशन ऑफ द सीड, सीड का जर्मिनेशन, ठीक, क्लियर हो गया। अब क्या है थ्योरी ना, दिमाग में क्लियर करके चलना, एक सीड है उससे प्लांट बन जाएगा, सीड से कैसे प्लांट बनता है, जर्मिनेशन है। हिंदी में समझो, देखो ये समझ में आ जाएगा ना, तो इंग्लिश में लिखना आसान रहेगा, ठीक है, सीधी सीधी सी बात है, कहानी याद रहेगी ना तो आगे का प्रपंच लिख पाओगे, ठीक है। द सीड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, जो मैंने बोला था सीड जो प्लांट से मिला है, यूजुअली वेरी ड्राई, यूजुअली लिखा है मतलब आमतौर पर बहुत सूखा हुआ होता है, यूजुअली बोला है, हर हर सीड के लिए नहीं बोल रहा है, कोई एक्सेप्शन निकल गया तो एक अलग बात है, लेकिन आमतौर पर सूखा ही होता है। इन दिस ड्राई स्टेट, इस सूखे वाले स्टेट में द सीड कैन कैरी अलाइव बट इनएक्टिव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जो सीड रहता है वो ड्राई हो चुका है, सीड जिंदा तो है लेकिन इनएक्टिव हो गया है। सीड का अल्टीमेट काम क्या है, अगला प्लांट बनाना। एक बात, रिप्रोडक्शन किया क्यों जाता है, क्योंकि अपनी स्पीशीज को हम आगे बढ़ा सके, तो प्लांट भी सीड क्यों बना रहा है, अपनी स्पीशीज को हम आगे बढ़ा सके। तो जो नया सीड बन रहा है उसका काम क्या है, एक आम का पेड़ अपने और जो सीड्स है वो क्यों निकाल रहा है, क्योंकि वो और आम के पेड़ बनाना चाहता है। क्लियर हो गया, डन। ऐसा द सीड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट आर यूजुअली वेरी ड्राई, बहुत सूखा हुआ होता है, बट इन दिस ड्राई स्टेट द सीड्स कैन रिमेन अलाइव, जो सीड रहता है वो मरा हुआ नहीं रहता है, सीड जिंदा रहता है बट इनएक्टिव रहता है। व्हाट इज इनएक्टिविटी, अपना काम नहीं कर रहा है। सीड का काम क्या है, एक प्लांट बनाना, तो प्लांट बना रहा है क्या, तुम अपने कंटेनर में अपने घर के बर्तन में सीड को रख दो तो इनएक्टिव है ना भाई, एक्टिविटी कहां कर रहा है, इनएक्टिव है, डेड नहीं है सीड, इनएक्टिव है, समझ में आया, डेड और इनएक्टिव में क्या अंतर है। फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे आर सेट टू बी डोरमेंट, इसको क्या कहते हैं, डोरमेंट। इससे पहले वाला चैप्टर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन वाला पढ़ा था ना, कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन, उसमें प्लांट में ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी पढ़ा था, वर्ड डोरमेंसी का टूटना, डोरमेंसी कौन करता था, ऑक्सिन जिब्रिलिन, है ना, प्लांट हॉर्मोन्स करते थे। तो डोरमेंसी का टूटना का मतलब क्या है, जब सीड नया प्लांट बनाएगा उस प्रोसेस को चालू कराने के लिए डोरमेंट को तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है डोरमेंट को, तभी तो वो व्हाइट कलर का जो निकलता है वो ऊपर निकलता है, जो शूट निकलता है उसमें से व्हाइट कलर का निकलता है ना शूट थोड़ा सा ऊपर, तो डोरमेंसी को तोड़ता है पहले, समझ में आया। तो लिखा है दे आर सेट टू बी डोरमेंट, इसको हम क्या कहते हैं, डोरमेंट। डोरमेंट मतलब जो सीड है वो इनएक्टिव हो गया है, इनएक्टिव सीड को एक्टिव बनाना, इनएक्टिव सीड को डोरमेंट कहते हैं, और इनएक्टिव सीड को एक्टिव बनाना, डोरमेंसी को तोड़ना। डोरमेंट मतलब बहुत देर से इनएक्टिव है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, ये डोरमेंट हो गया, इसको तोड़ के आगे बढ़ जाओ। इसको तोड़ के आगे बढ़ना क्या मतलब है, इनएक्टिव सीड को एक्टिव बना दो, तो डोरमेंसी ब्रेक हो गई ना, तभी तो नया प्लांट बनेगा, तो इनएक्टिव दे आर सेट टू बी डोरमेंट, इसको हम डोरमेंट कहते हैं। इनएक्टिव सीड को हम क्या कहते हैं, डोरमेंट। व्हेन अ सीड गेट वाटर, किसी जब भी किसी सीड को पानी मिलता है, एयर मिलता है, वार्म मिलता है, एयर वाटर वार्म सब सूटेबल कंडीशंस कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सूटेबल कंडीशन। सूटेबल कंडीशन के अंदर इट बिगिंस टू ग्रो, ये ग्रो करना चालू हो जाता है। व्हेन अ सीड बिगिन टू ग्रो, जब एक सीड बिगिन होता है ग्रो करने में, इट इज सेट टू बी जर्मिनेटेड, फिर उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेटेड कहने लग जाते हैं, मतलब जर्मिनेशन होना, सीड से शूट का बनना, रूट का बनना, जर्मिनेशन। क्लियर हो गया, तो जर्मिनेटेड मतलब जब वो ग्रो करना चालू होता है, जब डोरमेंसी ब्रेक होती है तो जर्मिनेशन चालू हो जाता है। जब इनएक्टिव सीड एक्टिव बनता है तो जर्मिनेट मतलब प्लांट बनाना चालू करता है, हिंदी में समझा दिया। दस द बिगिनिंग ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फूड सीड इज कॉल्ड द जर्मिनेशन ऑफ सीड, इसको हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। डोरमेंसी टूटती है, सीड का ग्रो होना चालू होता है, उसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक, जैसे ये दिया हुआ है, ये भी इससे पहले एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, इससे पहले ये एक इनएक्टिव था। राजमा देखा है, राजमा, अरे राजमा, राजमा नहीं पहचान, राजमा कैसा होता है, देखो एक पॉइंट ऐसा लगा रहता है और उसके अगल बगल ऐसा किडनी बीन्स, मतलब ये आपका होल है, मतलब पूरा है। अब ये ब्राउन कलर का रहता है ना, ये जैसे ब्राउन कलर लगा रहा है, एक सेकंड रुकना, ये जैसे ब्राउन कलर का रहता है ना ये, ठीक है। अब जब बीच में से खोल दोगे इसको तो वो कैसे कलर के रहेंगे,
व्हाइट व्हाइट कलर का रहेगा ना वो पूरा, अरे जब इसको बीच में से खोल दोगे तो पूरा व्हाइट कलर का हो जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे बीच में से तोड़ के एकदम ऐसे अलग अलग ऐसे दिखा रहा है वो। ठीक ठीक है, सुनो, ये जो ये बीच वाला पार्ट है ना बेटा, इसको बोलते हैं कॉटिलेडॉन। इसको क्या बोलते हैं? कॉटिलेडॉन। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन क्या करता है? फूड रहता है इसके अंदर। इसके अंदर क्या रहता है? फूड, न्यूट्रिशन देने का काम करता है ना? वहां पे लिखवाया था ना एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एंडोस्पर्म, तो वही एंडोस्पर्म है, उसी को कॉटिलेडॉन बोलते हैं। वो यहाँ पे फूड देने, नरिशमेंट देने का काम करता है। ठीक, इसके अंदर ढेर सारा फूड रहता है। अच्छा, यहाँ पे ना दो पार्ट है, एक होता है प्लीम्यूल और एक होता है रेडिकल। एक क्या होता है? प्लीम्यूल, और दूसरा क्या होता है? रेडिकल। ये प्लीम्यूल है और एक रेडिकल है। ये प्लीम्यूल है और ये वाला रेडिकल है। ठीक, और ये रेडिकल है। सुनो, जब भी आप इसको जमीन के अंदर डालते हो, ऐसे जब ये रूट, ये यहाँ पे आप समझ लो यहाँ पे सॉइल आ गई, जब भी इसको सॉइल के अंदर डालते हो तो ये जो रेडिकल है ना, ये रेडिकल रूट बन के निकल जाता है। रेडिकल का क्या बनता है? रूट। और प्लीम्यूल का क्या बनता है? शूट। रेडिकल का रूट, प्लीम्यूल का शूट, इन दोनों को कंबाइंडली कहते हैं बेबी प्लांट। छोटा है ना वो, ग्रो कर जाएगा तो बड़ा बन जाएगा। अभी अभी स्टार्ट हुआ है ना, बच्चा है छोटा सा, इसलिए बेबी प्लांट बोल रहा है। ग्रो कर जाएगा तो ये जो प्लीम्यूल है ये बन जाएगा शूट। शूट मतलब जो मिट्टी के ऊपर है, रूट मतलब क्या? जो मिट्टी के नीचे। समझ में आया? बनाओ। चलो, ये एक इनएक्टिव था, इससे पहले क्या था? ये इनएक्टिव। इनएक्टिव सीड को हम क्या बोलते हैं? डोरमेंट। अब ये जो डोरमेंट है, ठीक, ये जो डोरमेंट है, ये डोरमेंट सीड को हमने कहां डाल दिया? सॉइल में। सॉइल में वाटर और मॉइस्चर जो भी देना था वो दे दिया। इसमें से ना रेडिकल निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, क्या निकलना चालू होगा? रेडिकल। क्लियर हो गया बात? ही समझ में? रेडिकल यहां से निकलेगा और रेडिकल से ये धीरे से क्या बन जाएगा? रूट। ठीक, और ऊपर वाला पार्ट कहलाता है कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन वाले से शूट बन जाता है। सीड के, सीड में से दो चीजें होती हैं, एक तो रूट बनता है और एक शूट बनता है। जो रेडिकल होता है, जो रेडिकल होता है वो रूट बन जाता है, जो प्लीम्यूल होता है वो शूट बन जाता है।